गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 11 सभी बच्चों को आज टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं बच्चों से कहना चाहता हूं कि आज टीचर्स डे के दिन अपने मन में एक प्रतिज्ञा करें कि हमें बहुत मेहनत से पढ़ना है, लगन से पढ़ना है, और जो चीज समझ में ना आए आप मुझे हिचक जब चाहे जब सबसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो आगे पढ़ाई शुरू करते हैं। फर्स्ट पेपर में आप लोगों को हम शायद कल पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे, मेंडलीव के दीर्घाकार आवर्त सारणी के मुख्य लक्षण क्या है। लास्ट हेडिंग क्या थी, मेंडलीव की क्या थी, मेंडलीव की दीर्घाकार आवर्त सारणी के मुख्य लक्षण पढ़ा रहे थे। ठीक है, मुख्य लक्षण पूरे हो गए थे। उसके बाद हेडिंग आज पढ़ाना था दीर्घाकार आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दीर्घाकार आवर्त सारणी में तत्वों को चार खंडों में विभाजित किया गया है। चार खंडों में विभाजित किया गया है। नंबर एक एस ब्लॉक तत्व, नंबर दो ई ब्लॉक तत्व, नंबर तीन डी ब्लॉक तत्व, नंबर चार एफ ब्लॉक तत्व, एफ ब्लॉक तत्व। फिर नंबर एक हेडिंग डालो एस ब्लॉक तत्व, एफ ब्लॉक तत्व। दीर्घाकार आवर्त सारणी में तत्वों को चार खंडों में विभाजित किया गया है। नंबर एक एस ब्लॉक तत्व, नंबर दो पी ब्लॉक तत्व, नंबर तीन डी ब्लॉक तत्व, नंबर चार एफ ब्लॉक तत्व। फिर फर्स्ट हेडिंग वाला नंबर एक एस ब्लॉक तत्व, एस ब्लॉक तत्व। लेकिन एस ब्लॉक तत्व में जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन वाहक कोष के एस ऑर्बिटल में भरते हैं, एस ऑर्बिटल में भरते हैं, और पिछले कोष की अक्रिय गैस संरचना होती है एस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं, एस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं, एस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। एक बात ध्यान रखना, एस ब्लॉक तत्व के उपकोष में एनएस बल या एनएस टू इलेक्ट्रॉन आते हैं, एनएस बल या एनएस टू इलेक्ट्रॉन आते हैं, एनएस बल या एनएस टू इलेक्ट्रॉन आते हैं। एनएस बल इलेक्ट्रॉन को क्षार धातु तथा एनएस टू इलेक्ट्रॉन को क्षारी मृदा धातु कहते हैं, क्षारी मृदा धातु कहते हैं। यदि कि अब एग्जाम्पल बताने की जरूरत नहीं है। एस ब्लॉक, एस में दो पावर होती है, एक या दो, एस ब्लॉक में अगर एक पावर आ जाए तो क्षार धातु कहलाएगी, दो पावर आ जाए तो क्षारी मृदा धातु कहलाएगी, एस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। नोट कर लीजिए,
नोट हो गया हो तो दूसरी हेडिंग अब डालना है जहां से पी ब्लॉक तक लिखिएगा पी ब्लॉक तक तो नहीं लिखो पी ब्लॉक तत्व में लिखिए जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं पी ब्लॉक तत्वों के बाह्य कोश में पी वन से पी सिक्स तक इलेक्ट्रॉन बह सकते हैं पी ब्लॉक तत्व में पी वन से पी सिक्स तक इलेक्ट्रॉन बह सकते हैं जैसे जिनके लास्ट में बेटा जैसे एल्युमिनियम 13 फास्फोरस 15 क्लोरीन 17 नाइट्रोजन ऑक्सीजन ईटीसी कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद बाहरी कोश में पी इलेक्ट्रॉन भी आता है उसे पी ब्लॉक तत्व कहते हैं क्लियर नोट हो गया वो नेक्स्ट हेडिंग करो तीन नंबर डी ब्लॉक तत्व तीसरी हेडिंग डालो डी ब्लॉक तत्व नंबर तीन लिखो डी ब्लॉक तत्व तीसरा डी ब्लॉक एलिमेंट डी ब्लॉक तत्व लिखिए जिन तत्वों के बाहरी कोश में डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं डी ब्लॉक तत्वों के बाहरी कोश में Nd1 से Nd10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं Nd1 से Nd10 याद करके किसी में परिभाषा लिख लो बहुत अच्छी थी कभी पूछ देता है याद करके लिख लो डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन तत्व कहते हैं को जो डी वन से लेकर डी टेन तक है इन्हीं तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं जैसे एग्जाम्पल इस कैटेगरी में कई कैटेगरी 22 खापा 23 26 बहुत सारे ऐसे जिनके लास्ट में डी ब्लॉक तत्व आते हैं उन्हें डी ब्लॉक तत्व या संक्रमण तत्व कहते हैं चौथी एंड लास्ट हेडिंग डालो एब ब्लॉक एलिमेंट्स
लिखिएगा, जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन n-2 f आर्टिकल में बनते हैं, जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन n-2 ऐसे लिखना नहीं, n-2 कोस के f आर्टिकल में भरते हैं, n-2 कोस के f इलेक्ट्रॉन में भरते हैं, उन्हें f इलेक्ट्रॉन तत्व कहते हैं, उन्हें f इलेक्ट्रॉन तत्व कहते हैं, उन्हें f इलेक्ट्रॉन तत्व कहते हैं। F इलेक्ट्रॉन तत्व में दो श्रेणियां होती हैं, नंबर एक लैंथेनाइड श्रेणी, नंबर दो एक्टिनाइड श्रेणी। यानी F कोस में दो श्रेणियां होती हैं, एक लैंथेनाइड श्रेणी और एक एक्टिनाइड श्रेणी। जो लैंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी होती है, ये मेंडेलियन की मूल आवर्त सारणी के ठीक बाद नीचे आवर्त सारणी में रखी गई। इनका आवर्त सारणी में लिखना नहीं, इनका आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं होता, लेकिन जो लैंथेनाइड श्रेणी होती है वो CECGS-58 से Li-71 तक 4F श्रेणी में लिखी जाती है, 4F श्रेणी में लिखी जाती है, जिसे लैंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। एक्टिनाइड श्रेणी है वो TH थोरियम 90 से Li-103 तक, ये 5F श्रेणी में लिखी जाती है, इसे एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। लैंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी, तो लैंथेनाइड श्रेणी होता है वो CE-58 से Li-71 तक, ओ है 14 में, और जो एक्टिनाइड होता है वो 90 से 103 तक, ये 5F श्रेणी में लिखी जाती है। ठीक है, ऐसे इस तरह के तत्वों को F ब्लॉक तत्व कहते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग अब डालना है दीर्घाकार आवर्त सारणी के गुण और दोष। नोट कर लिया हो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, दीर्घाकार आवर्त सारणी के गुण और दोष। दीर्घाकार आवर्त सारणी के गुण और दोष, दीर्घाकार आवर्त सारणी के गुण और दोष। दीर्घाकार आवर्त सारणी के गुण व दोष, इसके दीर्घाकार आवर्त सारणी के निम्नलिखित दोष होते हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी के निम्नलिखित दोष होते हैं, पहला पॉइंट लिखिए, सर्वथा भिन्न गुणों के तत्वों को, पहला पॉइंट सर्वथा भिन्न गुणों के तत्वों को एक वर्ग में रखना, सर्वथा भिन्न गुणों के तत्वों को एक वर्ग में रखना। दूसरा पॉइंट, मेंडेलीफ की लघु आवर्त सारणी में, मेंडेलीफ की लघु आवर्त सारणी में तत्वों की सम और विषम श्रेणियां, मेंडेलीफ की लघु आवर्त सारणी में तत्वों की सम और विषम श्रेणियां, तत्वों की सम और विषम श्रेणियां। तीसरा पॉइंट, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई उचित
स्थान न होना, कोई उचित व निश्चित स्थान न होना, कोई उचित व निश्चित स्थान न होना। चौथा पॉइंट, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणियों का, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणियों का तत्वों के लिए आवर्त सारणी में स्थान न होना, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों के लिए आवर्त सारणी में स्थान न होना, स्थान न होना, स्थान न होना। ठीक है, बस इसी में क्वेश्चन ऐसे पूछ दे पेपर में आते, उसने कह दिया एमजी ने क्वेश्चन 12 कि आवर्त सारणी में स्थान की विवेचना कीजिए, स्थान की विवेचना कीजिए। तो एमजी मैग्नीशियम 12 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है आपको, 1s2 2s2 2p6 3s2, 2 2 4 10 2 12। ठीक है, तो सबसे बड़ा इसमें जो नीचे का अंक है वही तो पीरियड होता है, इसको हम लोग आवर्त कहते हैं। कौन सा आवर्त हो जाएगा, सबसे बड़ा अंक 3 है, आवर्त तीसरा हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में ग्रुप यानी वर्ग कहते हैं। ये देखो 2 4 6 सभी कक्षा 2 है, लास्ट में 2 लिखा है, सेकेंड वर्ग ब्लॉक कितना आ जाए, लास्ट में पी है तो एस ब्लॉक आ जाए, एस अगर यहाँ ए, आपको बताया था एस और पी ब्लॉक अगर आएगा तो ए, और डी और एफ आएगा तो बी। इस तरह से एक घर के लिए देने एम एन एम 25, एन आई निकेल 28, एन नाइट्रोजन 7, एन एन 10, इन चारों की आवर्त सारणी में स्थान की विवेचना कीजिए, विवेचना कीजिए। ये घर से करके लाना है, इनमें से जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए बता सकते हैं, कल हम आपको करा देंगे। फर्स्ट पेपर में आप लोग फेयर कॉपी अच्छे से बनाते चले, पांचवा लेसन चल रहा है और सेकेंड में भी पांचवा स्टार्ट हो गया, जहां ना समझ में आए कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और लास्ट बार सभी बच्चों को हमारी तरफ से टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, जो समझ में आए पूछ सकते हैं। धन्यवाद।